Assalamualaikum, welcome to another video. I hope you all are fine. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ. यस, जो मेरी टिकट थी वो 22nd की थी थ्रू PIA, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जो फ्लाइट है वो ही कैंसिल होगी, 29 पे चलेगी. तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मुझे अर्जेंट बेसिस पे ये 20th January की लेनी पड़ी. खैर, इट्स ओके. अभी जो मेरी फ्लाइट है वो इस तरह है, वो बीजिंग से पहले वुहान जाएगी और फिर वुहान से पाकिस्तान. अभी मैं बीजिंग टू वुहान के लिए मेरी चेक इन हो गई हुई है. मैंने कोशिश की कि मैं पीछे वीडियो बनाऊँ ये सारा, लेकिन सिक्योरिटी इतनी स्ट्रिक्ट थी कि वीडियो नहीं बना सकी. उन्होंने पूरा बैग खोल के एक एक चीज चेक की. तीन बैग थे मेरे पास, दो लैपटॉप और एक डॉक्यूमेंट बैग. उन्होंने एक एक चीज चेक की. खैर, अभी मैं वेटिंग एरिया में हूँ और एक्साइटेड हूँ. 3.5 ईयर्स के बाद पाकिस्तान जा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा अजीब सा भी कुछ फील हो रहा है. ऐसे लग रहा है जैसे पीछे कुछ रह गया है. समझ नहीं आ रही क्या रहा है. खैर, मैं भी इतने सालों के बाद जा रही हूँ तो इसलिए ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं. ये वाला जो एयरपोर्ट है, यहाँ से डोमेस्टिक एयरलाइंस भी फ्लाई करती हैं और इंटरनेशनल तो करती ही करती हैं. मेरी अभी बीजिंग टू वुहान जो है वो डोमेस्टिक है, क्योंकि वुहान से आगे फिर जो चाइना सदरन होगी वो मुझे पाकिस्तान लेकर जाएगी. अभी भी इतना टाइम रहता है, पूरा 1 घंटा रहता है. मैंने सोचा पूरा एक चक्कर लगाते हैं एयरपोर्ट का. कुछ भी नहीं है, कुछ इतना खास नहीं है. वो ही जैसे नॉर्मली होते हैं. कुछ खाने पीने की चीजें हैं, ब्रांड्स की शॉप्स हैं, ठीक ही है बस, इतना कोई खास नहीं है. तो कह रहे धूप निकली, मौसम खुद सही हुआ और मैं अपनी लोबी में आ गई हूँ. मेरी लोबी है B31 और ये मेरा प्लेन है. अभी थोड़ी देर में हम फ्लाई कर जाएंगे इंशाल्लाह. फाइनली मेरे सब अच्छा चल रहा है. सुबह 5 बजे मैंने अपना घर लीव किया था. ओके, एंड नाउ वी आर इन द प्लेन एंड रेडी टू फ्लाई. मैंने वुहान में लैंड कर लिया है. अभी यहाँ पे मेरा स्टे है ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स का और मुझे इतनी भूख लगी है. मेरे से एक मिस्टेक हो गई. चाइना सदरन जो है वो नॉन मुस्लिम एयरलाइन है, तो अभी इन्होंने बीजिंग टू वुहान हमें पोर्क बर्गर ऑर्डर किया और साथ में जो मुस्लिम थे उनको ये दिया. इसके अंदर ये एक बिस्किट है. और यहाँ पे मैंने वुहान पूरा एयरपोर्ट देख लिया. कोई भी शॉप ओपन नहीं है, इवन के कॉफ़ी शॉप भी ओपन नहीं है, सब बंद है. और मुझे इतनी भूख लगी है. आई मीन टू से कि मैंने बोर्डिंग कर ली और मैं लाउंज में हूँ. लाउंज में सारी चीज़ें बंद है, बाहर ओपन है, लेकिन अब मैं बाहर जा नहीं सकती. और मैंने चाइना सदरन वालों को कॉल भी किया है कि इस तरह ये मेरी फ्लाइट नंबर है, दिस एंड दैट, आप मुझे काइंडली फ्लाइट में मुस्लिम फूड प्रोवाइड करें. और उन्होंने आगे से मुझे कहा है कि नहीं भी, हम आपको मुस्लिम फूड प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपने आपको यही कॉल 24 आवर्स पहले करनी है. ओके, फाइनली वुहान टू इस्लामाबाद के लिए मैं प्लेन में बैठी हूँ और इंशाल्लाह विद इन 4.5 आवर्स में मैं इस्लामाबाद पहुँच जाऊँगी. ओके, लकीली मुझे मुस्लिम फूड मिल गया था. मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, इसके अंदर राइस थे और एक चिकन का पीस था, ये प्लेट्स थी और ये एक बन था, साथ में बनाना और ब्लूबेरी जूस. सो जस्ट रिसीव माय अम्मी एंड सिस्टर. दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो. इंशाल्लाह आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.